यह एक ऐसी सिटी जिसको 2 लाख लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, पर आज इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि यहाँ पर अब 20,000 लोग भी नहीं रहते। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे इस हिल सिटी को बनाने के लिए। काफी कुछ सोचा गया था इस सिटी के बारे में। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसको 5 टाउन्स में डिवाइड किया था। कुछ लोगों के लिए तो ये ड्रीम सिटी से भी ऊपर थी, और ये प्रोजेक्ट भी उस समय बहुत ही फेमस बन गया था। पर आज ये सिटी एक घोस्ट सिटी के जैसे बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की पहली प्राइवेटली ओन्ड, मैनेज्ड एंड एक्सक्लूसिवली प्लान्ड स्मार्ट सिटी, द लावासा सिटी। पर थोड़े टाइम बाद ही कुछ ऐसा हो गया कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। तो वो क्या रीजन थे लवासा सिटी के फेल होने के पीछे? Lavasa city, the once branded hilltop paradise, now lies abandoned. Millions of rupees were spent on building that city. 25,000 hectare mein ban rahi desh ki pehli hill city Lavasa ka mudda garmata ja raha hai. This is Lavasa hill station ko kalpasati kshetra cha zameen ka vimul kinte tani ekada parwan bina prakat ubhar lecha yachike tarup kada tara. It's now up to Union Vivad Minister Chairman Ramesh to decide Lavasa's fate. The idea behind Lavasa city. लवासा सिटी का सपना देखा था अजीत गुलाबचंद ने, जो कि इंडियन बिलियनियर और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC के ओनर है, जो तब देखा था जब वो इटली के एक सिटी पोर्टोफिनो में गए थे, जिसके नेचुरल ब्यूटी को देखकर उनको ख्याल आया कि क्यों ना इंडिया में भी एक ऐसी शानदार सिटी बनाई जाए जो ऐसे ही बहुत आलिशान हो और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स और सारी एम्यूनिटीज के साथ हो। पोर्टोफिनो से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ऐसी सिटी बनाने का ठान लिया, और यही से शुरुआत हुई उनकी ड्रीम सिटी लवासा की। कुछ साल की प्लानिंग के बाद उन्होंने साल 2000 में अपने इस ड्रीम सिटी के लिए महाराष्ट्र के पुणे सिटी से 58 किलोमीटर दूर मुर्शी तालुका में इस प्रोजेक्ट की जगह डिसाइड की, जो कि वेस्टर्न घाट्स या कहे सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में आती है, और ये जगह पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही है। अबाउट द लवासा सिटी डिजाइन, जगह फाइनल होने पर इसका काम शुरू कर दिया गया। प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट हेलमत ओबाटा कैसाबॉम HOK ग्रुप को दिया, जिन्होंने न्यूयॉर्क का लगाड़ी एयरपोर्ट डिजाइन किया था। लवासा सिटी की डिजाइन ही इतनी अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग थी कि इसे 2005 में कांग्रेस फॉर द न्यू अर्बनाइजेशन से और 2009 में द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स की ओर से अवार्ड्स मिले। लवासा सिटी इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड, मैनेज्ड एंड एक्सक्लूसिवली प्लान्ड स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, और ये बाकी सिटीज से बहुत ही स्मार्ट और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ बनने वाली थी। मतलब ये इतना बढ़िया प्रोजेक्ट था कि इसके इनिशियल डिजाइन में ये 5 सब टाउन्स में डिवाइडेड था। हर एक टाउन की अपनी अलग ही स्पेशलिटी थी, जैसे हर एक टाउन को अपना एक अलग तालाब मिलता और ऐसे ही खुद के अलग रिसोर्सेस। पहले टाउन को रेसिडेंशियल, दूसरे को कमर्शियल, तीसरे टाउन को थीम पार्क्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, चौथे को IT सेक्टर, और पांचवें टाउन को फिल्म प्रोडक्शंस एंड शूटिंग के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला था। इस शानदार प्लानिंग और डिजाइन को देखकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन के साथ सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और क्रिस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर आने वाले थे, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में भी मैनचेस्टर सिटी क्लब लवासा में इंडिया की अपनी पहली एकेडमी शुरू करने वाले थे, और साथ ही वर्ल्ड फेमस गोल्फर निक फेल्डो द्वारा पर्सनली डिजाइन गोल्फ कोर्स और पूरे 64 एकर्स जमीन में फैला हुआ एक बड़ा सा थीम पार्क भी बनने वाला था। 200 एकर्स में फैला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विद एन हर्ब प्लांटेशन भी प्लान्ड था, और सिटी का कुछ पार्ट तो सिर्फ रिसॉर्ट्स, विलास और होटल्स के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि दुनिया भर के टूरिस्ट भी इस सिटी में आकर इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सके। साथ साथ बहुत बड़े स्केल पर रेसिडेंस भी कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले थे, जिसके अनाउंसमेंट के बाद मानो सब लोग हैरान रह गए कि क्या ऐसी भी सिटी हो सकती है, और यहाँ पर अपने सपनों के घर को देखने लगे। लोग इस प्रोजेक्ट के लिए इतने एक्साइटेड हो गए कि अपनी सारी सेविंग्स से और तो बड़े लोन्स लेकर यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदने लगे, और देखते ही देखते लवासा सिटी प्रोजेक्ट नॉट ओनली इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया में मोस्ट डिमांडेड प्रोजेक्ट बन गया था। आखिर ये था ही इतना कमाल का, जिससे फॉरेन कंपनीज भी अट्रैक्ट होकर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगी। लवासा सिटी का कंस्ट्रक्शन 2004 में शुरू हुआ, और सिटी के पहले 2 टाउन्स ऑलमोस्ट पूरे भी हो गए थे। पहला है दसवे और दूसरा है मुगाव, जो कि 2010 के पहले ही कंस्ट्रक्ट हो गए थे, और बाकी टाउन से दामनोहल, गाडले, सखारी एंड वाडवली, जिनका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। ये 5 टाउन्स मिलकर पूरे 7 हिल्स पर बनने वाले थे। कुछ एरियाज पूरे होने की वजह से लोगों को एक अंदाज आ गया था कि लवासा सिटी आखिर होगी कैसे, पर 2010 के बाद इसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि ये प्रोजेक्ट अभी तक इनकम्प्लीट है। अभी सभी लोगों को लगने ही लगा था कि लवासा कोई ड्रीम सिटी नहीं बल्कि रियल में पूरी सिटी बनेगी, पर कुछ और ही हुआ। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। तो वो क्या रीजन थे लवासा सिटी के फेल होने के पीछे? नंबर 1, एनवायरमेंटल डैमेज। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न घाट्स में आता है, जिसे सह्याद्री माउंटेन रेंज भी कहते हैं, तो वो एरिया यूनेस्को प्रोटेक्टेड जोन में आता है,
जहाँ पर एक पेड़ काटने के लिए भी बहुत सारे परमिशंस लेने की जरूरत पड़ती है। और लवासा तो कितनी बड़ी सिटी बनने वाली थी, पर फिर भी उन्होंने पूरी तरह से परमिशंस लेना ठीक नहीं समझा। तो एनवायरमेंटल डैमेज की वजह से कई सारे लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाकर कंप्लेंट कर दी और उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उस सीनिक लीव्स वाले एरिया में 325 स्पीशीज है जो वल्नरेबल और एंडेंजर्ड है। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके सख्त एक्शन लिया 9 नवंबर 2011 को, यह कह के कि हिल कटिंग एक्टिविटीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बिल्डिंग और एंटी पॉवर्टी CSR मेजर्स, इन सभी चीज़ों को बंद कर दें। नंबर 2, लैंड एक्विजिशन। महाराष्ट्र एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि जो 1500 एकड़ जमीन लवासा ने ली थी, उस जमीन को गवर्नमेंट ने लोकल किसानों को यूज करने के लिए दी थी, और रूल्स के हिसाब से अगर कोई वो जमीन खरीदता है तो उसे गवर्नमेंट को उस जमीन की एटलीस्ट 3/4 प्राइस देनी होगी। पर लवासा कॉरपोरेशन ने सिर्फ जमीन का 2% ही दिया, 350 एकड़ वाली जमीन रेंट पे दी थी ओरिजिनल से बहुत ही कम प्राइस पर, और 240 एकड़ की जमीन को तो बिना लाइसेंस के ही ले लिया। कई लोगों का कहना है कि लवासा सिटी तो उस जमीन पर बन रही है जो जबरदस्ती और धमका कर ले ली थी, पर लवासा कॉरपोरेशन ने इन चीजों को मानने के लिए साफ इनकार कर दिया था। नंबर 3, स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी। अगर हम ध्यान से सोचे तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना मैनेज कर सकती है विदाउट गवर्नमेंटल या पॉलिटिकल सपोर्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिस मिलने के बाद से सारे सच सामने आते गए। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया था, और ये सिर्फ गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स को ही मिलता है, जैसे MMRDA और सिडको जो मुंबई और नवी मुंबई में रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाते हैं। पर क्या ये दर्जा एक प्राइवेट कंपनी को देना सही था? नंबर 4, हिल स्टेशन अथॉरिटी। इस रूल के हिसाब से किसी भी हिल स्टेशन पर 3 फ्लोर से ऊंची हाइट वाले बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, पर लवासा में मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स 6 फ्लोर्स के थे और कई तो उससे भी ऊंचे थे। नंबर 5, यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो वाटर सप्लाई पुणे सिटी के लिए यूज होता था, वही वाटर सप्लाई इस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रहा था, जिसके कारण कुछ टाइम के लिए वाटर शॉर्टेज भी हो सकता था। नंबर 6, नॉट टेकिंग प्रॉपर परमिशंस। इसका कारण ये था कि लवासा ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो परमिशन ले लिया था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया। ऐसा क्यों, वो आप आगे जानोगे। उस वक्त के सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हिल स्टेशन पर बनने वाली सभी प्रॉपर्टीज सी लेवल से मैक्सिमम 100 मीटर की हाइट तक ही होनी चाहिए, एंड अगर वो प्रोजेक्ट 50 करोड़ से ज़्यादा का होगा और उसमें 1000 लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो स्पेसिफिकली उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस बात पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और लवासा ग्रुप ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट इन सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, पर इन्वेस्टिगेशन करने पर कुछ और ही सामने आया। ये प्रोजेक्ट 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का था और लगभग 2 लाख लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। नंबर 7, गवर्नमेंटल सपोर्ट। आखिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होने वाला था, और क्यों इनके कॉरपोरेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना ठीक नहीं लगा? लवासा प्रोजेक्ट के वक्त महाराष्ट्र के इरिगेशन मिनिस्टर थे अजीत पवार, और उन पर ही ये एलिगेशन थे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के। अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि अजीत पवार शरद पवार के भांजे हैं, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुड़े और उनके हस्बैंड सदानंद सुड़े, जो यशोमाला लर्निंग एक फाइनेंस कंपनी है, उसमें बहुत ही बड़े स्टेक होल्डर थे, और यही यशोमाला कंपनी और लवासा कॉरपोरेशन दोनों मर्ज हो गए और लवासा को स्टार्ट किया, जिससे सुप्रिया सुड़े प्रोजेक्ट के 20.81% के स्टेक होल्डर बन गए। यानी इनडायरेक्टली पवार फैमिली का भी लवासा प्रोजेक्ट में स्टेक आ गया था। इसी वजह से लवासा ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना ठीक नहीं समझा, और जिससे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हो गया पर उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के पहले करनी पड़ती है। नंबर 8, एक्यूजेशंस ऑफ नेपोटिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि पवार फैमिली की इनडायरेक्टली लवासा प्रोजेक्ट में ओनरशिप थी, जो 2002 से लेकर 2004 तक थी, और फिर बाद में उन्होंने स्टेक्स को बेच दिया। उनके ही नेफ्यू चेयरमैन थे महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। जब लवासा को अलाउ कर दिया वाटर स्टोर करने के लिए और डैम्स को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, तो क्यों ना गांव वालों के लिए एक डैम भी बना ले। पर डैम बनाने के बजाय उन्होंने उन गांव वालों की जमीन पर रेसिडेंट्स और विलास बनाकर बेच दिया। नंबर 9, अदर प्रॉब्लम्स। कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे थे, जिसमें से एक थे महाराष्ट्र के IPS ऑफिसर एंड लॉयर योगेश प्रताप सिंह, जिन्होंने लवासा पर ऐसे आरोप लगाए कि जो जमीन गवर्नमेंट ने लीज पर दी थी, उस जमीन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही सस्ते प्राइस में दिया। कई सारे आर्टिकल्स में तो ऐसा भी लिखा है कि गवर्नमेंट ने लवासा को पूरी की पूरी 25,000 एकर्स की बड़ी जमीन सिर्फ मंथली रेंटल 23,000 में दी थी। इस प्राइस में तो एक छोटी सी दुकान तक भी नहीं मिल सकती, और इनको इतनी बड़ी जमीन मिल गई। पर इसमें से कितना कुछ सच है और कितना नहीं, ये तो अंदर की बातें हैं।
अगर ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था तो उन्होंने सब चीजें लीगली भी की होंगी, पर क्या पता कुछ ऑपोजिशन ने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से फेल किया होगा, और वो भी सिर्फ जेलसी की वजह से या कुछ क्लैशेज की वजह से। लवासा सिटी इन प्रेजेंट। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की तो ये लवासा सिटी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गई है, जहाँ पर मुंबई पुणे के लोग वन डे ट्रिप, पिकनिक, लॉन्ग ड्राइव, सोशल मीडिया फोटोज, ब्लॉग्स और प्री वेडिंग फोटोशूट्स के लिए ही आते हैं। लवासा में बोटिंग और कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी थे, पर टाइम के साथ साथ वो भी कम हो गए। इसी वजह से लवासा की ब्यूटी और हरियाली खराब होती गई है और काफ़ी सारे अट्रैक्शंस बंद हो गए हैं। हालत इतनी बुरी हो गई है कि इसका मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं हो रहा है, और इवन यहाँ पर जाने के लिए भी 500 रुपये का टिकट परचेस करके जाना पड़ता है, और इसी से जो छोटी मोटी इनकम हो रही है उसी से लवासा को मेंटेन किया जा रहा है। मतलब क्या से क्या हो गई है ये सिटी। फ्यूचर ऑफ लवासा सिटी। अगर लवासा सिटी के फ्यूचर की बात करें तो ये कंपनी अभी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई है, और कंपनी पर लगभग 6,412 करोड़ रुपए का लोन है जो ना चुकाने की वजह से बढ़ता ही चला जा रहा है। कंपनी का हाल इतना बुरा है कि अभी वो इस प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट भी नहीं कर सकती, पर अगर कोई दूसरी बड़ी कंपनी इसे खरीद ले और अगर इसको डेवलप करे विद प्रॉपर परमिशंस एंड रूल्स तो ये प्रोजेक्ट पूरा भी हो सकता है, और वही हुआ। पुणे मुंबई बेस्ड कंपनी डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड DPIL ने लवासा सिटी की बिड जीतकर इसे 1,814 करोड़ रुपयों में एक्वायर कर लिया है। पर ये तो किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या लवासा सिटी जैसे बनने वाली थी वैसे कभी बन पाएगी, कंप्लीट भी हो पाएगी, या फिर खंडर बनकर ही रह जाएगी? आपको इस टॉपिक पर क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।